अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख की कीमत में खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2021 में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। अब साल 2022 की नीलामी में भी मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख की कीमत में खरीदा है, लेकिन अब तक हुए 7 मैचों में अर्जुन को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस के मेंटोर अर्जुन के ही पिता सचिन तेंदुलकर हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि पिता के मेंटोर होने के बावजूद अर्जुन को प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब हम अपनी इस वीडियो में देते हैं। दरअसल महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच हैं और वही टीम को चलाते हैं। उनके फैसले टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को मानने पड़ते हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे दोस्तों। दरअसल मुंबई इंडियंस की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स में मौजूद है, जिसमें साफ बताया गया है कि मुंबई इंडियंस टीम के जो भी फैसले होते हैं वह हेड कोच महिला जयवर्धने ही लेते हैं। प्लेइंग 11 तय करने में पूरी तरह से सिर्फ उनकी ही चलती है। ऐसे में दोस्तों, सचिन चाहकर भी अपने बेटे को आईपीएल डेब्यू नहीं करवा पा रहे हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या अर्जुन को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या नहीं।